दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी में। कीप लर्निंग कीप गोइंग। दोस्तों आज बात करेंगे हम डे 3 सब्सक्रिप्शन की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने देवयानी इंटरनेशनल का फंडामेंटल वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं डे 3 सब्सक्रिप्शन की। इसमें इससे पहले मैं आपको डाटा बताऊँ, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज रिटेल के लिए डेट मतलब बिड लगाने की प्रोसेस 8 बजे तक बढ़ा दी थी, जो पहले भी कभी हो चुका है। तो आज हम बात कर लेते हैं देवयानी इंटरनेशनल की आईपीओ की। क्यूआईबी की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर की जो सब्सक्रिप्शन है अराउंड 95 गुना बढ़ चुका है दोस्तों, और HNI जिसे NII भी कहते हैं 213 गुना दोस्तों। डिटेल की बात करें तो अराउंड 40 गुना, एम्प्लॉई 4.7 गुना, यानी टोटल आपको 116% 116 गुना यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, 116 गुना ये IPO बढ़ चुका है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं नहीं बताना चाहूँगा, यहाँ पे HNI कॉस्ट अगर तक अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया और अगर आप करना चाहते तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे HNI कॉस्ट जो दोस्तों मैं अभी नहीं बताऊँगा कैसे निकालते हैं, जो HNI कॉस्ट अगर हम 7.5% के 7.5% ब्याज के ऊपर निकालें तो अराउंड 32 रुपये आ रही है, यानी 90+32 अगर आप बिट प्राइस देखते हैं तो 90 रुपीज़ इसकी बिट प्राइस प्लस 32। अगर इससे ज़्यादा हमारी ग्रे मार्केट प्रीमियम है तो हमको इसमें लिस्टिंग गेन देखने को बम्पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, और अभी लिस्टिंग अराउंड 50-60+ चल रहा है GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा हूँ दोस्तों, लेटेस्ट में आपको 60+ चल रहा है। तो यानी आपको यहाँ पे बम्पर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, जो ये आ रहा है 122 रुपये, जो काफ़ी ज़्यादा है, 90+150 रुपये आ रहा है, आराम से आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब बात करते हैं अगले IPO की, मिंडलास बायोटेक। मिंडलास बायोटेक में देखते हैं दोस्तों, QIB का इंटरेस्ट काफ़ी नॉर्मल है, 24 गुना भरा है, NIA का 15 गुना और रिटेल का 24 गुना, और टोटल देखते हैं तो दोस्तों टोटल भी आपको यहाँ पे नॉर्मल दिखेगा 22 टाइम्स, यानी इसमें आपको नॉर्मल बहुत कम लिस्टिंग गेन या फिर लिस्टिंग के आसपास ही आपको यहाँ पे लिस्टिंग होते दिखेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट IPO की, कृष्णा डायग्नोस्टिक। इसमें भी दोस्तों QIB ने काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है, 49 गुना यानी 50 के आसपास, और HNI का देखें तो दोस्तों 116 गुना 42% के आसपास दोस्तों। रिटेल ने बंपर पैसा लगाया है दोस्तों, 4 IPO 4 अगस्त का है, लेकिन चारों में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट शो किया है। एम्प्लॉय का काफ़ी कम है, मतलब पूरा नहीं भर पाया, 0.98 हो गया ठीक है। टोटल देखिए दोस्तों 64 गुना यहाँ पे भर चुका है। एक बात मैं कहूँगा दोस्तों कि देवयानी अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने पे पता चलता है कि कंपनी अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो ये इस साल तक प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है, उनका मैनेजमेंट का कहना है। अब सारो टाइल्स दोस्तों, ये रियलिटी सेक्टर की एकमात्र टाइल्स सेक्टर में कंपनी है। QIB का इंटरेस्ट यहाँ पे 18 गुना है, NIA का इंटरेस्ट काफ़ी कम है, यानी आपको यहाँ पे लिस्टिंग थोड़ी सी नॉर्मल मिल सकती है। NIA का यहाँ पे है 5 गुना 40। रिटेल का दोस्तों देखिए, हर जगह रिटेल ने बम्पर पैसा लगाया है, और एम्प्लॉय का है यहाँ पर 2.5 टाइम्स, यानी टोटल आपको यहाँ पे 23 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, जो ठीक है दोस्तों। मेरे को लगता है कि इसमें लिस्टिंग के दिन कुछ डिफरेंट हो सकता है, देखना होगा कि लिस्टिंग के दिन यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।